प्रेम वेदना में जमीन पे गिर गई, रोती रह गई। श्याम चले हैं तो श्याम जैसे भोजराज कंस के दरबार में पहुंचे, सबसे पहले क्या देखा, धोबी मिला है। धोबी से बहस हुई तो धोबी शराब के नशे में झूमता हुआ आ रहा है, ऐसा लग रहा है तो पूरी गली में धोबी को भी है। तो जवाब दिया है, भैया कहाँ जा रहे हो? लखनऊ जा रहे हैं, अगले बताओ। अरे धोबी भैया, हम ऐसा करो, हम कंस के मेहमान हैं और ये वस्त्र कहाँ ले जा रहे हो? तुम्हारा काम हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा, तुम्हारा एहसान हो जाएगा, वस्त्रों को मुझे दे दो। कंस के मेहमान हो या बेईमान हो? हाँ, अरे इससे मतलब नहीं है भैया, ऐसे मत बोलो, हम तुमसे जिस तरीके से बोल रहे तुम तो तू करके बोल ले। भाई मैंने तो अभी आपसे एक तू खा ली है। अरे नहीं भैया, वस्त्रों को दे दो। ऐसा है, आप हमें कम सुनाई दे रहा है। संज्ञा को विकास भैया कर से मट्टी उतर कान न डाल, ठीक है? विकास भैया घर पे मट्टी को तेल कान में डाल लियो, रेग ले लियो लकड़िया और बांह बांध लियो रुई और ऐसी कान में डाल खूब ऐसे खाना 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 कर दियो। सुनाए वो सही आगे से। ऐसा करो, वस्त्रों को मुझे दे दो। भाई क्यों दे दे? अरे इसलिए दे दो, हमारा काम हो जाएगा, तुम्हारा एहसान हो जाएगा, हम तुम्हें जाना है। एहसान किसी पर करते नहीं है। क्यों नहीं करते हो? नहीं करते, हमारी इच्छा। देखो भैया, ये बात नहीं बनेगी, हम आपसे हिसाब से बात कर रहे हैं तो आप उसी तरीके से बात करिए ना हमसे। देखो वस्त्र, हाँ ये राजसी वस्त्र है, ठीक है, और राजसी वस्त्र पहनने लायक आपका चेहरा नहीं है। क्यों? अगर तुमको बंबू में मौत हो जाते तो तुम्हें कपड़ा दे देते। भैया कैसी बात करते हो? ऐसी बात कर रहे हो, कैसी कर रहे हो? देख रहे हो, धोबी बिल्कुल भगवान को नहीं दबा। उसी समय भगवान ने जवाब दिया, जमीन पे गिरा है, उसका उद्धार करने के बाद आगे बढ़े।